अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे एक क्विक चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं धनिया पत्ता की चटनी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से धो के ले लिया है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है 6 से 7 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन की कलियाँ। ठीक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अभी हम इन सारे चीज़ों को एक मिक्सी जार में डाल देंगे और इन सारे चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए मिक्सी में चलाकर पेस्ट बना लेंगे। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसे 2 मिनट के लिए पीस लिया था और ये एक फाइन पेस्ट बन चुका है। इसी में मैंने नमक भी डाल दिया था। तो अभी हम इसे एक कटोरे में निकाल लेंगे, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे बन के रेडी है हमारी क्विक सी धनिया पत्ता की चटनी। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। आप इस चटनी को रोटी, चावल, पकौड़ा, समोसा किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ ऐसे ही और एक आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।